सो गाइस फाइनली आज की वीडियो हम अप्लाई करने वाले हैं Z Phone 3 के इमोजीज। हालांकि इमोजीज को लेके काफी लोगों के कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम डीएम्स लोगों के आ रहे थे कि हमें इमोजीज को अप्लाई करना है। हालांकि फोन सप्लाई के ऊपर हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, सो आई बटन में लिंक मिलेगी, आप उसको जाके देख सकती हैं। और ये Z Phone 3 का अभी लेटेस्ट अपडेट है, इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सभी सॉर्ट आउट हो चुकी है। इवन इसके अंदर कोई भी वाईफाई कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपरली आप नेट से ही सारे प्रोसेस को फॉलो करके इजिली फोन या इमोजीज को अप्लाई कर सकते हैं। वेल चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं इमोजीज को अप्लाई कैसे करना है हमें अपने फोन के अंदर। गाइस फोन के अंदर इमोजीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें Z Phone 3 एप्स को इंस्टॉल करना होगा। हालांकि ये प्ले स्टोर के अंदर रन कर रही है एप्लीकेशन, इजिली जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसीजर इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसके लिए आप वीडियो को रीवॉच करिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता, या फिर वीडियो को आप सेव कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस इसका लॉन्ग है तो एक बार में समझ में नहीं आता, बहुत लोग उसको स्किप करके चले जाते हैं, स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर आएंगे तो इसको ओपन करना है Z Phone 3 को, जो भी इसकी परमिशन या फिर रिक्वायरमेंट है सबको अलाउ कर देना, एग्री कर देना। तो यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास देखो फॉन्ट हमें अप्लाई नहीं करना है, इमोजी अप्लाई करना है। तो हम कुछ ऐसे इमोजी को चूज करेंगे जो कलरफुल इमोजी हो, ताकि हमें पता चले कि हमारे फोन के अंदर ये चेंज हो चुकी है। अभी करंट टाइम पर जो हमारी इमोजी है, देखो एड्स वगैरह आती है क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, तो इसको हम एड्स को यहाँ से क्लोज करेंगे। एंड जो हमारी इमोजी है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एज ए बाय डिफॉल्ट इमोजी है, देख सकते हो इसके कलर्स वगैरह कैसे हैं। तो अब यहाँ पर हम इमोजी को अप्लाई करते हैं। इमोजी को अप्लाई करने के लिए हमें एक इमोजी की रिक्वायरमेंट होगी, जो हम इमोजी एक कलरफुल करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ सके कि ये इमोजी हमारे फोन के अंदर प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है। तो हमारे पास एक सेकेंड वाला इमोजी है, वैसे तो बहुत सारे इमोजीज हैं बट यहाँ सेकेंड वाले को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये देखने में लाइक एक डिफिकल्ट है और ये अप्लाई होगा हमारे फोन के अंदर तो प्रॉपरली आपको दिखाई देगा कि ये अप्लाई हो चुका है। इसको प्रेस करना है एंड इसकी साइज देखें तो 23 MB समथिंग है, तो इसको हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड इस जो इमोजीज को हम अपने फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो अभी देख सकते हो इस इमोजी की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड साइज काफी बड़ी है और मैं इसको स्किप भी नहीं करने वाला हूँ, प्रॉपरली इसको हम लाइव डेमो के साथ करेंगे। होता क्या है कि कभी कभी वीडियोस को हम पोस्ट कर देते हैं किसी चीज़ को फॉलो किया डाउनलोड करने के लिए, तो बाद में लोग कमेंट्स काफ़ी लोग कर देते हैं कि आपने वीडियो को पोस्ट करा इसके बाद अप्लाई करके आप दिखा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो सारी चीज़ें लाइव हम डेमो करेंगे, सो वीडियो लॉन्ग हो सकती है बट आपको 110% इसका सोल्यूशन मिलेगा और आप इजिली इससे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अभी ये 50% कंप्लीट हो चुका है एंड इसको डाउनलोड होने के बाद हम इसको आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड सेम Z Phone 3 का ही प्रोसेस है एंड फोन्स को ही अप्लाई करके हम इमोजीज को भी अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो एक बार आप इसको देखिए जरूर, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा इसको करने में। अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड तीनों मेथड हमें सेम मिल रहे हैं फोन्स वाले, तो हमें सेकेंड मेथड को प्रेस करना है फाइल मैनेजर का। अगेन एड्स आ रही हैं, एड्स को हम वापस से यहाँ पर स्किप करते हैं, हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, तो हमने डाउनलोडिंग पे इसको प्रेस कर दिया, डाउनलोडिंग पे हमने क्लिक कर दिया। हमारे यहाँ पर इमोजी के अलावा जो हमें फाइल डाउनलोड करनी थी वो डाउनलोड हो चुकी है। नोटिस का एक ऑप्शन आया, इसको स्टार्ट Z फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। ये एक इनका बाय डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है जो इनकी खुद की है, इसके लिए इसको इंस्टॉल करना होगा। 400 KB का साइज है इस फाइल मैनेजर का, तो हम इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं फोन के अंदर। आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए, हाँ इंटरनेट को थोड़ा फास्टली रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं बाद में दिक्कत होती है डाउनलोड नहीं हो रहा। इसको भी ओपन कर लेना है एंड इंपॉर्टेंट का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे और यहाँ से परमिशन देके इसको बस यहीं से इसका काम खत्म। अब इसको यहाँ से बैकग्राउंड से हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है उसी को रखते हैं। अब आएंगे इस पर एंड वापस से डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसा एड्स आया तो कंटिन्यू टू ऐप करेंगे, इसके बाद वापस क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएगी इसकी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे एंड इस ओल्ड वाले फाइल मैनेजर को हमें फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। देखो हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल हो रहा है और इसी प्रोसेस की मदद से हम इजिली अपने फोन के अंदर इमोजी को अप्लाई करेंगे। ओपन पे क्लिक करना है, अलाउ करेंगे, अगेन एग्री करेंगे, फिर से एग्री करेंगे एंड जो भी परमिशन मांग रहा है सबको यहाँ से अलाउ कर देंगे। मैंने अलाउ यहाँ से कर दिया। अब यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन आएगा कॉर्नर साइन में, इसको प्रेस करना। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे। एक थर्ड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स का, इसको एक बार ऑन कर देना है। इसको टर्न ऑन कर दिया आपने, अब इसका काम खत्म। अब इसको भी यहाँ से आप हटा सकते हो। अभी वापस इस पर जाना है
एंड एक ऑप्शन मिलेगा थीम का, हमें करना क्या है थीम वाले सेक्शन पे जाना है, थीम वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर, और हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट होगी एक फॉन्ट की, देख ध्यान देना फॉन्ट से हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, फॉन्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं इमोजी अप्लाई, लेकिन फॉन्ट्स को हम डाउनलोड करेंगे पहले। तो हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखना है फ्री, कोई भी फ्री फॉन्ट ऐसे रैंडमली डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ पर आ चुके। अब देखो ऐसे फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है जो आपने नहीं करा होगा इस प्रोसेस को करते समय, जेट फॉन्ट ये मेथड जो आपने नया अपडेट्स आया हुआ है इसको फॉलो करते समय अगर आपने कोई फॉन्ट नहीं ऐसा डाउनलोड करा है तो उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर कर लिया है पहले से कोई तो उसको डाउनलोड मत करना, ये प्रोसेस काम नहीं करता उस समय। तो ऐसा डाउनलोड करना है जो आपने अपडेट्स आने के बाद उसको ट्राई नहीं किया हो। तो चलो हम यहाँ से कोई चीज़ एक फॉन्ट्स को लेते हैं, और यहाँ पर हमने कैट गिफ्ट का एक फॉन्ट है, इसको हमने अप्लाई नहीं करा है किसी भी टाइम, तो हम एट द सेम टाइम इसको हम डाउनलोड करेंगे एंड इसको डाउनलोड पे प्रेस कर देंगे, डाउनलोड नाउ करेंगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, हमें बैकग्राउंड से हटा देना है, इसको रिसेंट ऐप करेंगे, इसको बैकग्राउंड से यहाँ से हटा दीजिए, सिंपल काम इसका खत्म। कार्डिनो टू ऐप करेंगे अगेन, इसके बाद थीम डायरेक्टरी का एक ऑप्शन आएगा, इसको प्रेस करना है। अब थीम डायरेक्टरी में आएंगे तो हमने जो फॉन्ट डाउनलोड करा था उसका यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, तो कैट गिफ्ट आई टी जेड का एक फाइल है, इसको लॉन्ग प्रेस करिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे नीचे कॉर्नर में टू डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट भी दिख सकता है एंड्रॉयड 12 वगैरह में, 13 मेरे फोन में अंदर है तो टू डॉट मिल रहा है, इसको प्रेस करना, रीनेम करना है इसको कम्प्लीटली, रीनेम पर क्लिक करेंगे और इन सबको कॉपी कर लेना, सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड कॉपी कर देंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब करना क्या है, इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देना कम्प्लीटली, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जो हमने फाइल को कॉपी करा है उसी नाम का सेम फोल्डर एक बनाना है, इसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर का नाम आएगा तो ये सिलेक्टेड है, इसको लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से अब पेस्ट कर देंगे, इसके बाद ओके करेंगे तो इस वाले फोन्स का एक साइज यहाँ पर डाउनलोड हो जाए, लाइक फोल्डर एक बन जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी बन चुका है कैट गिफ्ट आई टी जेड का एक फोल्डर। अब वापस रिसेंट ऐप पर जाना है एंड वापस यहाँ जेड फोन 3 पे जाना है, कंटिन्यू टू ऐप करना है, वापस से हमें थीम को ओपन करना है, थीम स्टोर को वापस ओपन करेंगे एंड वापस से हमें कैट वाला ही वही फॉन्ट इंस्टॉल करना है। ध्यान देना फॉन्ट्स को याद करके रखना कौन सा है, फॉन्ट पे जाएंगे, अब वापस से हमें ही फ्री लिखना है। अब उसी फॉन्ट को हमें अगेन डाउनलोड करना है इस फोन के अंदर, तो हम चलो उसको फटाफट चूज करते हैं, कैट गिफ्ट का ये फॉन्ट था और मैं इसको वापस डाउनलोड करूंगा। जब उस सभी प्रोसेस को फॉलोअप कर लेंगे तो ये वापस से रीडाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड नाउ करेंगे एंड ये वापस से डाउनलोड हो चुका। अभी देखो इसको बैकग्राउंड से हटाना नहीं है, मैजिक अभी देखेंगे अब अप्लाई करके इमोजी को। अब रिसेंट टाइप को प्रेस करना, वापस आना यहाँ, अब एक ऑप्शन मिलेगा इंजेक्ट का, इसको प्रेस करना है, इंजेक्ट फर्स्ट में आप आएंगे, इसको प्रेस करेंगे, गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा एंड यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे, ये पहला इंजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट सक्सेस हो चुका। दूसरे वाले के अंदर भी इंजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे, नोटिस का ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना। अब यहां पर एक चीज और फॉलोअप करना, कुछ लोग न्यू फोन में करते हैं, जो न्यू डिवाइस होते हैं उसमें डॉट डी डब्ल्यू डी का फोल्डर बना नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है कभी कभी, तो बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर उसमें आए और क्रिएट न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है तो डॉट डी डब्ल्यू डी जैसे मेरे फोन में अंदर यहां पर दिख रहा है जो हमारे फोन के मॉडल नंबर के सामने जस्ट, तो इस तरीके से डॉट डी डब्ल्यू डी फोल्डर आप क्रिएट कर लेना। अगर यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो ऐसे केस में, दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करके इसको अलाउ कर देना। अब ये जो है ये भी सक्सेस हो चुका। अब इसको वापस यहां से थोड़ा सा बैक करेंगे, अब आएंगे हमें फॉन्ट डायरेक्टरी पे, फॉन्ट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहां पर मल्टीपल हमारे पास फाइल्स दिख रही है, कैट गिफ्ट का ये जो लाइक कर सकते फॉन्ट्स है, अब हमें करना क्या है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। देखो कैट गिफ्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे है और इसको कंप्लीटली यहां से कट कर देना है, तो कट का बटन है, कट करेंगे एंड आपको यहाँ फोन का ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट कॉर्नर में, इसको प्रेस करना और लाके आप किसी भी फाइल में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, अब यहां से इसका काम टोटली खत्म। अब चलते हैं मैजिक दिखाते हैं इमोजी अप्लाई कर। अब आएंगे फॉन्ट वाले सेक्शन में, कैट गिफ्ट में जो थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर है, जस्ट आपको अप्लाई कर देना है। मैंने फॉन्ट अप्लाई नहीं करा है, करा है तो इमोजी ही अप्लाई करा है, लेकिन आपको अभी देखने को मिलेगा मैजिक इसके अंदर थीम अप्लाई हो चुका है। अब इसको आएंगे कीबोर्ड के अंदर एंड लॉन्ग प्रेस करेंगे इमोजी पे, अभी हमारे फोन का लुक एट दिस गाइस, जिसका जो कलर है इमोजी है वो प्रॉपर चेंज हो चुका है, देख सकते हो आप। इसके अंदर आईओएस के इमोजीज एंड पिक्सल के इमोजीज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो,
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको इमोजीज को अप्लाई करना है तो इजीली आप अपने फोन के अंदर कर पाएंगे। एंड गाइस, अगर कोई भी और कंफ्यूजिंग होती है इस इमोजी अप्लाई प्रॉब्लम्स को लेकर या फिर फॉन्ट अप्लाई को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।